नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक सेट है रियलमी नार्जो 50i करके। तो दोस्तों इसमें डिस्प्ले का इशू था, जो डिस्प्ले छप नहीं रहा था दोस्तों, लाइट भी नहीं दिखा रहा था। तो दोस्तों इसमें कहां से फॉल्ट आया था दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां से जो इसका लाइन का सेक्शन है दोस्तों, हम दिखा देते हैं, लाइट का इधर से और डिस्प्ले का दोस्तों इधर से। तो दोस्तों इसका जो इस साइड से यहाँ से दोस्तों ये दोस्तों जो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ इसका लाइन जो दोस्तों यहाँ से होते हुए डायोड के माध्यम से इस आईसी में आया। तो दोस्तों ये इसका एनोड पॉइंट है डिस्प्ले का, और ये दोस्तों ये सेकंड वाला छोड़कर ये दोनों जो हैं दोस्तों ये इसके माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों ये लाइन हमने चेक किया तो दोस्तों ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये लाइन पूरा। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों, इस लाइन से यहाँ से जो डिस्प्ले का इशू था, जो डिस्प्ले दिखा नहीं रहा था, तो दोस्तों यहाँ से इस साइड से हमारा जो पांचवा नंबर का था दोस्तों, ये जो पांच नंबर का पॉइंट था दोस्तों, ये यहाँ से मिस था दोस्तों वाटर डैमेज के कारण। तो दोस्तों इसको हमने चेक किया, और ये दोस्तों ये हमारा जो लाइन आता है दोस्तों, ये पावर आईसी से यहाँ से इस कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए, यहाँ से इस कैपेसिटर के माध्यम से होते हुए 1.8 का लाइन है दोस्तों यहाँ पे आता है। तो जो इससे हमारी डिस्प्ले लाइट और डिस्प्ले का जो है इमेज छपता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये लाइन जो था ये मिस था, इसीलिए हमारा ये डिस्प्ले छप नहीं रहा था दोस्तों। तो जब भी आपके पास आए ऐसा सेट तो कोई दिक्कत हो तो दोस्तों पहले इस लाइन को आप चेक करें प्रॉपर, उसके बाद आप ईजिली आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो लाइन था इस कैपेसिटर से यहाँ तक दोस्तों सही था, बीच में ये जो हमारा लाइन था यहाँ वाटर डैमेज के कारण दोस्तों ये मिस हो गया था। तो इसको हमने यहाँ पे जम्पर एक कर दिया और दोस्तों हमारा डिस्प्ले देखिए इजिली छपने लगा। अभी आपको हम दिखाएंगे लाइन, देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले का जो मसला था वो सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।